सबसे अनोखे शो में जिसका नाम है कॉमेडी नाइट बचाओ। कृष्णा आज कौन आने वाला है? अरे भारती आओ आओ बैटमैन। अरे कौन? बचाओ बचाओ एक गंदी एक्ट्रेस। अरे लगता है वो लोग स्टूडियो के अंदर आ चुके हैं। आ चुके नहीं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। अरे इससे पहले काम तमाम हो जाए सारी लड़कियां से भाग जाए, उनको बुला लेते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर और रंजीत जी का। कितनी एक्साइटमेंट है शो पे आने की, रंजीत जी नाइट सूट में ही आ गए हैं। ये होता है भैया, तैयारी पूरी रहती है विलन्स की हमेशा। शक्ति जी, गुलशन जी, रंजीत जी, कौन सी वाली? और मतलब कैसे लग रहे हैं ये लोग? कैसे लग रहे हैं सर? अच्छे लग रहे हैं? कमाल के। मैं तो कह रहा हूँ कि ओहो, बाय वन टेक वन फ्री। शक्ति जी का भैया कमाल है, डॉक्टर का कोट पहन कर आए हैं, तो कभी भी किसी को भी डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत पड़ सकती है। नहीं नहीं नहीं, कभी भी किसी का ऑपरेशन हो सकता है। शक्ति जी तो कोट पहन कर आया, गुलशन जी देखो ऐसे लग रहा पूरी लड़की खा के बाल इधर रह गए बस। रंजीत जी तो कफन बांध के आए, कहते तीन चार तो लेके ही जाऊंगा। अरे बाबा जान, तीनों अकेले अच्छे नहीं लग रहे सर, मतलब एक साथ में एक आइटम बम चाहिए। बोलो बचाओ बचाओ। अरे सुरविन ने भी अपना काम शुरू कर दिया क्या? यहाँ पे लड़के भाग रहे हैं। मैं जल्दी बुलाऊ उसको, इससे पहले लड़के गायब हो जाए। जोरदार तालियां हो जाए सुरविन चावला के लिए। कमाल कमाल की फिल्में आ रही है आजकल इनकी। मतलब सुरविन ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि रजनीश दुग्गल की पप्पी लेनी पड़ी आपको? मतलब इतने पैसों की जरूरत थी इनको, नहीं और इतने ज्यादा पैसों की जरूरत थी कि पप्पी खत्म ही नहीं हो रही थी, खत्म ही नहीं हो रही थी, खत्म ही नहीं। कृष्णा आप नहीं थे ना? आज तक तो सिर्फ हम लोगों को देखकर लड़कियों ने कहा है बचाओ बचाओ, और आज हम लोग देखेंगे कि ये लड़कियां हमसे कैसे बुलवाती है कि हम बोले बचाओ बचाओ कुत्ते कमीने। एक मिनट सर, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आज मैं जब आ रही थी ना यहाँ पर, तो मुझ पे जानलेवा हमला हुआ। मेरी मम्मी मुझे चाकू लेके मार रही थी। क्यों? कहती वैसे भी आज रंजीत, गुलशन और शक्ति आ रहे, तू बचेगी नहीं, इसलिए मैं ही मार दूं। सर जिस प्रकार रंजीत जी की आंखें लाल हुई हैं, मुझे लगता ये होगा। कृष्णा मुझे जाने दो प्लीज मम्मी। आइए शुरू करते हैं कॉमेडी नाइट बचाओ। और सबसे पहले हमारा जो सिंहासन है उसको नीचे लाया जाए। अच्छा मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, सबसे पहले इस सिंहासन पे आप किसको देखना चाहेंगे? शक्ति कपूर जी। सब लोग कह रहे हैं शक्ति कपूर जी, शक्ति जी से शुरुआत करते हैं। शक्ति जी हम आपको अकेले नहीं भेजेंगे हॉट सीट पे, हम आपको हॉट सीट के साथ भेजेंगे, हमारी सुरविन चावला के साथ। तो शक्ति जी एंड सुरविन, जोरदार तालियां हो जाए। अरे आइए पूजा जी आइए। समझ गई मैं, पहले मेरी बारी में फेंका था, पूजा की बारी, मतलब दो लड़की आपको पसंद आ गई। कॉमेडी नाइट बचाओ कोई मेला थोड़ी का छल्ला डाल के लड़की लेते जा रहे हो। इतनी पसंद हूँ मैं आपको। बहाने से
से सारा बिस्तर खराब कर रहे हो। वाह वाह वाह। नसीम जी को देखकर एक बात मतलब पक्की हो जाती है कि आलू को कितना भी सजा दो आलू आलू ही होता है। पूजा भी बड़ी प्यारी है, आपको पता है, फ्री में ट्रेवल करती है, ऑटो वाले की गर्दन में पप्पी देके भाड़ा माफ करवा लेती है। चलिए सर, आप अपनी पप्पी, सॉरी मतलब आप अपनी लड़की लेके उधर बैठ जाइए। जोरदार तालियां। इधर की रिवायत है सर, ऐसा नहीं कि हम ही बोलते रहे हम ही बोलते रहे। अब जो है बारी है शक्ति जी, गुलशन जी, रंजीत जी और सुरवीन की। अब ये चारों जो हैं हमारी शान में चार चांद फाड़ेंगे। अरे बंद करो बंद करो। अरे भारती तू हमें क्या बोल रही है, अपने आप को देखा कभी? अरे तेरे जैसी को देखकर तो हम विलन भी डर के मारे भाग जाते हैं कहीं। और इसकी बिल्डिंग के नीचे वॉचमैन और ड्राइवर झगड़ा करते हैं, वो आपस में लगे रहते हैं कि एक बात बताओ भारती वॉचमैन पे लाइन मारती है या ड्राइवर पे लाइन मारती है? आई लव यू स्टिल, आई लव यू। और ये हमारे भाई शकील भाई एक बार बाजार से रोबो लेके आए और रोबो ऐसा था कि जो भी झूठ बोलेगा उसको तमाचा मारेगा। तो इनका बेटा सुबह सुबह उठा, बोले पापा पापा मेरा पेट बहुत दुख रहा है, रोबो ने तमाचा मारा फटाक। तो ये बोले बेटे जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना मैंने कभी झूठ नहीं बोला, फटाक तमाचा रोबो ने। उनकी बीवी कोने में बैठ के हंस रही थी, तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारे पे गया, उसकी बीवी को तमाचा फटा। और सुनो इनके बारे में, अरे छोड़ूंगा नहीं मैं गुलशन ग्रोवर बन जाऊंगा। एक बार ये घर बैठे हुए तो टीवी पे बंदर वो भाग रहा था, उसका पिछवाड़ा दिख रहा था, तो बोले देखो यहाँ खाने के वांदे हैं और बंदर के पिछवाड़े में जैम लगा हुआ है। मैं यहाँ के सबसे हैंडसम जो हैं उनके बारे में बात करना चाहूंगी, नसीम। ए, खड़ा होकर बोलो। क्या कहा था मुझे डब्बा टीवी, तुम्हें एक बात मालूम है कि तुम जैसे लोग ना लड़कियों की टांगे देखकर बता देते हैं कि लड़की किस मोहल्ले में रहती है, इसीलिए। लेकिन ऐसी शक्ल के बहुत कम लोग होते हैं जो एक्टर बनते हैं, बाकी सब यहाँ बाहर चित्रात के बाहर भी मतलब ठेलियों पे अंडे होते हैं ना वो बेचते हैं। लव यू गाइस, इतनी इज्जत देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। और गुस्सा थूक दे यार, मैं हट जाता हूँ। कुड़ी को ला जाता था क्या ये? बचपन से सुना था कि मेहमान की इज्जत होनी चाहिए, और तुम आप कलाकारों का कोई ज्यादा कसूर नहीं। आगे कितने जा रहे हैं? बे ओ सर। कसूर यह है कि आप सब बहुत अच्छे एक्टर हैं, मुझे उस डायरेक्टर का, वो आधी दर्जन राइटर का एड्रेस फोन नंबर चाहिए। दिस इज फ्रॉम वन कलाकार टू अनदर कलाकार। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, फैंटास्टिक, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते हर शनिवार रात 10 बजे ओनली ऑन कॉमेडी नाइट। अच्छा।